हेलो एवरीबॉडी, आज हम आए हैं सलीका किया पे। तो अगर आप कैलकटा से बिलोंग करते हो और आपको किया की कोई भी कार खरीदनी है या फिर चेकआउट करनी है, टेस्ट ड्राइव लेनी है, कुछ भी करना है, तो शोरूम पे जरूर विजिट कीजिएगा। बिल्कुल सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में ही है। शोरूम का जो सारा एड्रेस है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिस्टर शुभंकर दे का नंबर मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दूंगा। उनके थ्रू अगर आप कार लेते हो मेरा नाम लेके, तो मैं एक चीज़ की गारंटी देता हूँ आपको, किया की कोई भी कार हो, सेल्टॉस, सोनेट, कैरेंस, जल्द से जल्द डिलीवरी मिलेगी। ज़्यादा वेटिंग टाइम नहीं मिलेगा, बिल्कुल प्रायोरिटी पे डिलीवरी मिलेगी। तो आप ज़रूर उनको कांटेक्ट करके उनके थ्रू बुकिंग करवा सकते हो। तो आज जिस चीज़ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है सेल्टॉस फेसलिफ्ट में जो नया ये इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आया है, जिसको हम MID भी बोलते हैं, 10 इंच वाली, उसके ऊपर इसमें एग्जैक्ट क्या क्या फीचर्स है, हर एक बटन का मैं आपको फंक्शन बताने वाला हूँ कि किससे क्या होता है और क्या बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, हिडन फीचर्स जो आपको शायद नहीं पता होगा। रेफरेंस के लिए मैं बता दूं, हम बैठे हैं इसके GT लाइन वाले ट्रिम में, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये दरवाज़ा खुला है इसीलिए दिखा रहा है, दरवाजे को करते हैं बंद। अभी ये टोटल शट डाउन हो चुका है। अभी मैं ज़रा इसको खोल के, मतलब स्टार्ट करके आपको दिखाने वाला हूँ कि एनिमेशन कैसा है। ये देखो भाई इसकी एनिमेशन बढ़िया, स्वाइप अप मारती है और ये हो गया है अपना चालू। यहाँ पे लो फ्यूल दिखा रहा है। सबसे पहले आप लेआउट देख लो भाई, इसकी जो स्क्रीन है इतनी बढ़िया तरीके से फिटिंग की गई है, हर एक डिज़ाइन, क्लैरिटी आप देखो, एक एक जो फॉन्ट है इतना क्लियर है, इतना क्रिस्प है, कहीं पे भी आपको नहीं लगेगा कि यार देखने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है अपने को। बढ़िया चीज़ इन्होंने किया यार। सरप्राइजिंगली स्पीडोमीटर लेफ्ट साइड पे है, टैकोमीटर राइट साइड पे है। जनरली कार्स में ऑपोजिट होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा खेल है। ये आप एडजस्ट हो जाओगे, उसमें कोई मतलब अजीब चीज़ नहीं है। यहाँ पे ये जो तीन आप बत्ती देख सकते हो, ये बेसिकली है इंडिकेशन कि पीछे पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट पहना है या फिर नहीं। तो आप यहाँ से भी मॉनिटर कर सकते हो कि पीछे कौन सीट बेल्ट पहन रहा है कौन नहीं। यहाँ पे जो वार्निंग लाइट्स है वो आपको बेसिकली दिया गया है। सबसे पहले इसका जो थीम है इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करने के लिए देखो अभी जो है फिलहाल ये ड्राइव मोड्स पे लिंक्ड है। अगर हम इसका ड्राइव मोड चेंज कर सकते हैं ऐसे घुमा के, देखो स्पोर्ट पे थोड़ी सी ऐसी सिल्वरिश और हल्का सा रेड का टिंट आपको मिलेगा, इको पे ब्लूइश मिलेगा, ब्लू होके थोड़ी सी ब्लैक हो जाती है, और नॉर्मल पे ये थोड़ा सा डार्क सिल्वर या फिर डार्क ग्रे आप कह सकते हो। तो स्पोर्ट पे फिलहाल रखते हैं, थोड़ा सा मजा लेते हैं इसका। एक और चीज़, इसका आप डायनामिक पे भी सेट कर सकते हो। कैसे? सेटिंग्स, व्हीकल, देन यू गो टू क्लस्टर, सिलेक्ट थीम। अभी देखो ड्राइव मोड पे लिंक्ड है, इसको डीसिलेक्ट करो और डायनामिक पे डाल दो। ये देखो भाई, माय गुडनेस, आप इसकी डिस्प्ले देखो। कैमरे में थोड़ा सा फ्रेम रेट गिर रहा है, लेकिन रियलिटी में आपको थोड़ा सा ऐसा हेजी लग रहा है। नहीं, हेजी है नहीं यार, ये बादल इतने क्लियर है, मैं आपको क्या बताऊं भाई। इस एंगल से आप देखो, बहुत शानदार इसकी डिस्प्ले है, बिल्कुल बहुत शानदार, बेस्ट। फिलहाल बी पे रखते हैं, ड्राइव मोड पे वापस लिंक ही कर देते, ठीक है। ये थी डिस्प्ले की कहानी। अब बात करते हैं बटन्स पे। इसको ब्राउज करने के लिए आपके पास तीन बटन्स है, ये मतलब बटन्स बेसिकली दो है, इसको प्रेस करना है, इसको ऊपर या नीचे करना है। इसका क्या काम क्या है मैं आपको बता दूं, ये है इसके जो मेन्यूज है, ये है 1 2 3 4, चार मेन्यूज पे ये ऐसे स्विच करता है, और ये जो ऊपर नीचे है ये मेन्यूज के अंदर जो सब मेन्यूज हैं उनको ब्राउज करता है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं आपको बता दूं, देखो ये है अपना ADAS रिलेटेड चीज, ये है जो ड्राइविंग इंफॉर्मेशन वाली चीज, ये अपनी नेविगेशन वाली चीज, और ये आई बिलीव टायर प्रेशर एंड ऑल, ठीक है। इसको दबाओगे तो देखो हम यहां से यहां पहुंच गए, इसमें ड्राइव इंफॉर्मेशन की सारी चीजें, अंदर की सब चीज मैं आपको ऐसे ब्राउज करके दिखाऊंगा, लेकिन इसका पहले देख लेते। इसको वापस दबाओगे तो सॉरी, ये नेविगेशन, ये कंपास है, यहां पे कंपास आपको मिलेगा। वापस प्रेस करोगे तो यहां पे आ जाती है, यहां पे जो टायर प्रेशर है, कार को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा इसको एक्टिवेट करने के लिए। वापस से दबाओगे तो जो ADAS रिलेटेड फंक्शंस है वहां पे आ जाते हैं। सबसे पहले फ्यूल पे चलते हैं, इसको हमने दबाया, फ्यूल इंफॉर्मेशन एंड ट्रिप इंफॉर्मेशन। बेसिकली इसको ऊपर करोगे तो आगे जाएगी, पीछे जाएगी, नीचे करोगे तो देखो, हमने इसको ऊपर किया, इसमें दिखा रहा है सबसे पहले डिजिटल स्पीड। वापस ऊपर ऑटो स्टॉप, मतलब इसमें जो आइडल स्टार्ट स्टॉप आता है, इसको अगर आप एक्टिवेट करते हो तो कितने टाइम के लिए कार आइडल स्टॉप पे रुकी है ये आपको दिखाता है। इसको अगर आप ओके करके रखोगे, मतलब होल्ड करके रखोगे सॉरी, तो ये अपना रीसेट भी हो जाएगा। वापस ऊपर करते हैं तो एक्यूमुलेटेड इन्फो जो है वो है,
वापस करोगे तो सिंस रिफ्यूलिंग, मतलब रिफ्यूलिंग के बाद कार कितनी चली है क्या नहीं है वो आपको दिखाएगा। इसको ओके को होल्ड करके रखो, देखो ये टोटल जीरो पे आ चुकी है। सब कुछ आप यहाँ से रीसेट कर सकते हो, फिर यहाँ पे जो ड्राइव इन्फॉर्मेशन है वो भी रीसेट हो चुकी है। सॉरी, मतलब बेसिकली इसमें जो है मैं आपको बता दूं, अब नीचे करके एक है डिजिटल स्पीड, फिर है ड्राइव इन्फॉर्मेशन, फिर है रिफ्यूलिंग के बाद क्या चली है, फिर एक्यूमुलेटेड इन्फो, मतलब तीन तीन ट्रिप आप कहीं ना कहीं इसको कह सकते हो बेसिकली, ऑटो स्टार्ट स्टॉप में कितना टाइम बचा है, और ये तो इसके अंदर थे ये फीचर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट है यहाँ पे अपना क्या नाम लेते हैं, कंपस। कंपस को बेसिकली ब्राउज करने का कुछ है नहीं, कंपस को क्या ही ब्राउज कर, इसमें कुछ डिटेल ऑप्शन नहीं है। TPMS पे चलोगे तो इसमें भी खैर वैसे कुछ डिटेल चीज नहीं है, बट ADAS में है। होल्ड ओके करोगे तो सेटिंग्स पे जाएगी। देखो मैंने इसको होल्ड करके रखा है, सेटिंग्स यहाँ पे खुल जाती है। इसमें ड्राइविंग कन्वीनियंस, ड्राइविंग सेफ्टी, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, पार्किंग सेफ्टी, एक एक चीज को आप क्लिक करोगे देखो हर एक चीज यहाँ पे आती है डिस्प्ले बन के। भाई मतलब क्या अटेंशन टू डिटेल किया ने किया है। ठीक है भाई, अब इसको जरा होल्ड करके रखते हैं। इसको होल्ड करके क्या होगा हम देख लेते हैं। इस बटन को हमने होल्ड करके रखा, फिलहाल तो कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन बेसिकली आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि इसमें क्या सब चीज़ है क्या नहीं। ये तो बेसिकली ADAS के फंक्शन है, ये अपना एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ये अपना जो क्या नाम लेते हैं लेन की असिस्ट, ये सब चीज़ के लिए। लेकिन आप लोग बताओ आपको इसकी कैसी लगती है। यहाँ पे तो गियर इंडिकेटर है, पार्किंग मोड पे है। इसको जरा रिवर्स पे डालते हैं तो देखो ये रिवर्स आ गए, यहाँ पे कैमरा वैमरा ये सब है, यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स का भी इवन डिस्प्ले आता है सामने और पीछे दोनों का। न्यूट्रल पे है, वापस ड्राइव मोड पे डालते हैं तब भी पार्किंग सेंसर की डिस्प्ले यहाँ पे चालू हो जाती है। ठीक है भाई, और ट्रैक्शन मोड्स भी देख लेते हैं। ड्राइव तो हमने देखा, ट्रैक्शन में आता है स्नो, इसमें भी देखो थोड़ी सी डिस्प्ले चेंज हुई, मड सैंड। ट्रैक्शन मोड पे मैंने देखा, आई बिलीव ये कार जो है ड्राइव मोड स्पोर्ट से नॉर्मल पे पहुंच चुकी, क्योंकि थी मेरे को वैसा लग रहा है, स्नो मड सैंड। वापस से किसको क्लिक करोगे तो ड्राइव मोड पे आ जाएगी, स्पोर्ट पे। नॉर्मल पे देखो ऐसी थीम आ रही थी ना ट्रैक्शन पे भी, तो ऐसे इसका हिसाब किताब चलता है। और तो आई बिलीव कुछ दिखाने लायक चीज़ नहीं है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप की ज़रा इसको होल्ड करके रीसेट कर लेते हैं। देखो ये भी रीसेट हो चुकी है, रीसेट करने की जो भी चीज़ें हैं हमने सब कुछ रीसेट कर दी है। और हाँ, ये टर्बो पेट्रोल वेरिएंट है, अगर आप इसका डीजल लेते हो तो यहाँ पे जो यूरिया लेवल है DPF जिसको हम कहते हैं, उसका भी लेवल यहाँ पे शो आता है कि कितना यूरिया बचा है, कितना आपका कार चलेगा, ये वो। तो बढ़िया लोडेड चीज़ है, मतलब क्या ही कहे, कंप्लेन करने लायक कुछ भी नहीं है। कंप्लेन तो छोड़ो भाई, बहुत बढ़िया डिस्प्ले है, बहुत बढ़िया, सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज फॉर श्योर, विदाउट अ क्वेश्चन ऑफ डाउट। क्योंकि इतनी बड़ी डिस्प्ले और तो किसी कार में आती नहीं है, मैक्सिमम जितना मेरे को पता है 8 इंच तक डिस्प्ले आती है, लेकिन इस कार ने तो भाई कमाल ही कर दिया यार। यही था एक छोटा वीडियो शोइंग ऑल द फीचर्स विच आर अवेलेबल इन द यू नो MID ऑफ द ऑल न्यू किया सेल्टॉस 2023, जिसमें 10 इंच का आता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये वाला जो 10 इंच का MID है ये किन वेरिएंट्स में आता है, ये आता है आपका HTX प्लस में, GT लाइन में और X लाइन में, बस जो तीन अपर ट्रिम्स है, मतलब टेक लाइन का टॉप वेरिएंट, GT लाइन और X लाइन में। बाकी HTX के नीचे से थोड़ा सा अलग आता है, छोटा सा डिस्प्ले आता है, वो आपको पता है कैसा है, बट इसमें यही दिखाने लायक चीज थी। तो आप लोग बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो को प्लीज लाइक करना। अगर आपके जान पहचान में कोई बंदा है जो किया सेल्टॉस लेने का प्लान बना रहा है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना, उसके लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा देखने के लिए और समझने के लिए कि क्या क्या फीचर्स उसको मिलेंगे उसके कार में। ठीक है, इतना तक अगर आपने वीडियो देख लिया है, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।